कलयुग में एक टीचर ऐसा भी होता है जो पढ़ाता ही रहता है, और वो होता है सच्चा गुरु। उसके लिए शिष्य बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा रहता है। हर पल उसकी निगाह रखता है वो, हर पल उसका ध्यान रखता है वो, कदम कदम पे समझाता है उसे वो, समझाता चला जाता है, ना बेटा इसकी ना सुन, ना बेटा उसकी ना सुन, तू अपने जमीर की सुन, तू अपने सतगुरु की सुन, सतगुरु और जमीर की सुनेगा तो तेरी तकदीर बनेगी, दुनिया की सुनेगा तो बनी हुई तकदीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मन हावी होता है, किस पे नहीं होता, आदमी तो आदमी है, लेकिन सतगुरु की जो मान ले वो भी भाग्यशाली होता है, वो भी भागों वाला होता है, जो मान के अमल कर लेता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मालिक उस पे रहमो करम बरसाता रहता है।